अपने धर्म के लिए, अपने नबी के लिए, अपने हुजूर के लिए इस कदर मोहब्बत दिल में कि 8640 किलोमीटर माने उनके लिए कदमों के धूल बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मदीने के ख्वाब के लिए एक सौदा किया है नींद से, आका मैं आ रहा हूँ तेरे चाहत में चलकर हिंद से। ये कुछ लाइनें हैं इस समय देश के एक ऐसे युवा पर लागू होता है जो केरला से 8640 किलोमीटर की दूरी तय कर मक्का के लिए पैदल ही निकल लिया। अपने धर्म के लिए, अपने नबी के लिए, अपने हुजूर के लिए इस कदर मोहब्बत दिल में कि 8640 किलोमीटर माने उनके लिए कदमों के धूल बराबर है। इस जज्बे को देश सलाम करता है। आज हमारे हिंदू धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है, श्रावण मास, जो महादेव को समर्पित होता है। मैं एक ब्राह्मण होते हुए महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये जो युवा लड़का केरल से निकला है और मक्का के लिए हज की जो 8640 किलोमीटर की यात्रा है, वो सही समय पर सफलतापूर्वक स्वस्थ रहते हुए पूरा करे। महादेव उन्हें शक्ति दे, ये कामना मैं महादेव के चरणों में करता हूँ। ये पहली बार नहीं है विश्व में कि कोई इंसान पैदल हज के लिए निकला हो। ज़्यादा पुराना बात नहीं, कुछ दिन पहले ही, मैं कुछ दिन कह रहा हूँ, इसी जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ। डीएनए हिंदी के आपके स्क्रीन पे जो डीएनए हिंदी का एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसके रिपोर्ट के हिसाब से अदम नाम के इस इंसान ने अगस्त 2021 को इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन से ये शुरुआत हुई और नीदरलैंड, जर्मनी, हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, तुर्की, लेबनान और जार्डन होता हुआ ये व्यक्ति सऊदी अरब पहुंचा। 6500 किलोमीटर की ये यात्रा 10 महीने 25 दिन में इस इंसान ने पूरी की। रोज लगभग 17 किलोमीटर के सफ़र तय करने के बाद ये इंसान ने अपने हिम्मत, अपने जज्बे को बनाए रखा और अपना हज मुकम्मल किया। हमारे भारत के लिए भी अब ये गर्व का विषय है कि हमारे ही भारत के केरला से शिहाब भाई ये निकल चुके हैं। लगातार 50-55 दिन का इनका यात्रा हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान इस समय वो गुजरात पहुंचे हैं। और हम सभी लोग दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने इस उद्देश्य में, इस मकसद में सफल हों, सही सलामत वो हज मक्का पहुंचे और अपना जो वहाँ पे उन्होंने संकल्प लिया है उसे पूरा करें। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर हिम्मत नहीं दे सकते तो कृपया कम से कम उन्हें हतोत्साहित मत करें, उन्हें रुकावट ना पैदा करें। आज जिस तरह से लगातार जनाधार शिहाब भाई को मिल रहा है वो देखने लायक है। देश का युवा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इस व्यक्ति के लिए, इस पैदल हाजी के लिए सड़कों पर गुलाबों के फूल बिछाए गए हैं। कुछ तो बात होगी इस लड़के के जज्बे में, कुछ तो सोचा होगा इस युवा ने जो इतना बड़ा कदम आप ये उठाया है। सोचिए 8640 किलोमीटर। अगर आप भारत का जम्मू के एंडिंग पॉइंट से दक्षिण भारत का एंडिंग पॉइंट कन्याकुमारी, जो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है, वहाँ तक की अगर एक बार दूरी करें तो कुछ 3000 किलोमीटर ही होता है। 8650 किलोमीटर पूरी करने के लिए आपको कम से कम 3 बार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से फिर जम्मू कश्मीर
और जम्मू कश्मीर से फिर कन्याकुमारी आपको आना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप ये यात्रा केरला से मक्का तक की पूरी कर पाएंगे। मैं तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से भी दुआओं में शिहाब भाई को आप रख सकते हैं उन्हें रखें, उनके हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करें। और इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि असम के जो मुस्लिम भाइयों के घर तोड़े गए हैं उन्हें अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर अभी भी मदद नहीं पहुँची है, बहुत ही कम मात्रा में लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। हमारे देश का युवा इतना जज्बादार है कि 8640 किलोमीटर रौंदने के लिए एक बंदा पैदल ही निकल गया, और हम लोग सक्षम होते हुए भी असम में अपने ही भाइयों की हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन भाइयों को आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, उन भाइयों की ज़रूरतें केवल इतनी हैं कि एक छोटा सा निवाला उनके पेट में जाते रहे ताकि वो जिंदा रह सके। सरकारों ने तो उनके सर से छत छीन ही लिया है, अब हालात ये हैं कि बीमारियां, बारिश का पानी और हालात तीनों बर्बाद ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि राशन खुले में होने की वजह से ख़राब हो जाता है, ना पक पाए ना खा पाए, इस वजह से उनको कुपोषण के शिकार की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों से मदद की अपील करता हूँ। कुछ लोग उसे गंभीरता से लेते हैं, कुछ लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जितने लोगों के अंदर इंसानियत बची है, कृपया असम के उस मुस्लिम भाइयों के लिए हो सकता है थोड़ी सी मदद आप लोग भी भेजें। आप मुझे गूगल पे, पेटीएम और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर भेज सकते हैं। आप ये स्क्रीन पे दिख रहा आपको UPI का स्कैन कोड है, QR कोड है, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। आपका भेजा हुआ एक छोटा सा अनुदान किसी के पेट का निवाला बन सकता है, और इससे बड़ा इंसानियत, इससे बड़ा कोई दुआ या कोई प्रार्थना इस विश्व में हो ही नहीं सकती। क्योंकि धर्म भले हमारे अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों में, सभी कुरान में, गीता में, भगवत में यही दिखाया गया है कि इंसानियत वही है जो किसी इंसान की मदद कर सके। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।